उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते सभी दल चुनावी रंग में रंगे हुए हैं। इसी के चलते सभी नेता एक दिन में कई रैलियां भी कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज हाथरस में रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान राहुल ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि हिंदुस्तान का किसान आज बहुत परेशान है। हमारे देश का 60% धन 50 अमीर लोगों के पास है। नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राहुल बोले कि अमीर लोग नोटबंदी के बाद कभी लाइनों में नहीं लगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने किसानों के कर्ज माफ करने की मांग की, मोदी सरकार ने अमीरों का कर्ज माफ कर दिया। इसके साथ पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ अमीरों का काला धन सफेद किया है। ऐसे में अब समय है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें जवाब दे। प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर सबसे ज्यादा जोर उद्योगों की स्थापना पर होगा। जिस जिले की जो चीज प्रसिद्ध है वहां उसी को बढ़ावा देने वाले उद्योग स्थापित किए जाएंगे। देश विदेश में मेड इन चाइना को बुलाया जाएगा और मेड इन यूपी को उभारा जाएगा। हाथरस की रैली में युवाओं और किसानों के मुद्दे पर ज्यादा जोर दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने केंद्र के नोटबंदी के फैसले पर भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखते रहिए डीबी लाइव।